हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मोर टेक विद पीएस में आप सबका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में एमएस वर्ड ट्यूटोरियल का सेकंड पार्ट बताने वाला हूं आपको। फर्स्ट पार्ट होम का पूरा डिटेल बता दिया था, इसका लिंक अगर आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखे तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप अभी तक की मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्रेस बेल आइकन, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको जो होम है आपको तो आई होप पूरा क्लियर हो गया होगा। अब चलिए देखते हैं, बात करते हैं इंसर्ट की। इंसर्ट को आपको मैं डिटेल में पूरा एक एक चीज बताऊंगा और जो जो आपको आपके यूज में नहीं है तो उसको चलिए छोड़ देंगे, और बाकी आपको जो इम्पोर्टेंट है वो आपको पूरा मैं डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए कवर पेज, कवर पेज आप जैसे कुछ मैगजीन सब में देखे होंगे तो ये जैसे कुछ इस प्रकार का, देखिए मैगजीन में आपका डॉक्यूमेंट आ गया, आप इसमें कर्सर रखेंगे तो आप यहाँ पर से कुछ लिख सकते हैं अपने हिसाब से। और ये हो गया, आप अपने हिसाब से यहाँ पर से चूज कर सकते हैं कौन सा आपको लेना है। अब आपको नेक्स्ट बताता हूँ। आप इसके बाद बात करते हैं ब्लैंक पेज का। जैसे ये एक पेज है, आपको नीचे में एक और पेज चाहिए तो आप ब्लैंक पेज में क्लिक करेंगे तो आपके देखिए दो पेज हो गया। और फिर आपको पेज ब्रेक, अगर इसको पेज को ब्रेक करना है आपको यहाँ पर से आधा करना तो यहाँ पर से देखिए यहाँ से ब्रेक पेज कर सकते हैं। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो पेज ब्रेक हो गया, देखिए ये हाफ में आपका और नीचे और पेज आते जाएगा। देखिए जितना आप ब्रेक करेंगे उसका आपका पेज बढ़ते जाएगा। ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक आपका ऑलमोस्ट सेम ही है। अब बात करते हैं टेबल की। टेबल जो है इसमें आपको जैसे देखिए आपको यहाँ पर कर्सर रख के बताता हूँ, जहाँ जहाँ पर आपको टेबल बनाना है पर से आपको क्लिक करना है। अब जितना टेबल बनाना चाहते हैं, रॉ बनाना चाहते हैं और नीचे का बॉक्स बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर से आप जितना सिलेक्ट करके बना सकते हैं। और आपको शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। जैसे आप मान के चलिए आप इसको प्लस लिखेंगे फिर इसके बाद माइनस कर दीजिए, फिर प्लस कीजिए, फिर माइनस कीजिए, फिर प्लस, फिर एंटर का कर दी, देखिए बॉक्स बन गया, रॉ बन गया। इसी तरीके से आप भी इस तरीके से भी बना सकते हैं। अब बात करते हैं पिक्चर्स की। अब एरो में ध्यान दीजिएगा, मैं कहाँ कहाँ एरो को डाल रहा हूँ उसी में से आपको डिटेल में समझेंगे। अब जैसे पिक्चर में करते हैं तो यहाँ से आप दिस डिवाइस से आप यहाँ से एक तो अपने डिवाइस से कोई भी इमेज को यहाँ पर से ला सकते हैं। जैसे इसकी यहाँ से अभी मेरे में इमेज नहीं है तो आपको इस तरीके से आप ला के जैसे देखिए जैसे स्क्रीन, देखिए स्क्रीन शॉट में इसको यहाँ से क्लिक करेंगे, इंसर्ट करेंगे, ये देखिए आ गया। इस तरीके से आप यहाँ पर इमेज ला सकते हैं। अब यहाँ बात करते हैं चलिए आप शेप की। इसको यहाँ से कट कर देते हैं, ये भी कट कर देते हैं। अब यहाँ पर शेप की बात करते हैं। यहाँ से आप शेप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर से बहुत सारे शेप्स हैं, यहाँ से आप सिलेक्ट करके शेप्स यहाँ पर से ला सकते हैं। और यहाँ से देखिए अब जब सिलेक्ट करेंगे तो आपका बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा। तो आप यहाँ से देखिए आप 3D बनाना चाहते हैं, ये देखिए 3D में सब चीज को ऑप्शन दिया गया है। इस तरीके से आप अगर वर्ड है तो यहाँ से आप कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ से और बॉक्स चूज कर सकते हैं, बहुत सारा ऑप्शन जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आ जाएगा। इसका मैं डिटेल और आपको मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। ये देखिए इस तरीके से अब ये भी हो गया, इसको यहाँ से हटा देते हैं। देखिए अब शेप आपको समझ आएगा। आइकन्स को छोड़ देते हैं क्योंकि ये इंटरनेट पे है और ये आपके काम उतना खास नहीं। 3D मॉडल भी आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा जब आपका नेट चालू होगा। तो अब स्मार्ट आर्ट, स्मार्ट आर्ट को देखिए यहाँ पर से जैसे आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं या आपको कुछ स्कूल या कॉलेज से प्रोजेक्ट मिलता है तो जैसे कुछ इस तरीके से दिखेगा, साइकिलिंग टाइप का देखिए इस तरह का। और यहाँ पर से क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह, यहाँ पर टेक्स्ट लिखते जाइए जैसे इस तरह से यहाँ, फिर इधर क्लिक करेंगे तो इधर ही दूसरा, जैसे आपको कुछ मॉडल ट्री मॉडल ऐसे से कुछ मिलता होगा, सर्कल कोई डायग्राम के लिए इधर से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और फिर इसको कैंसिल करते हैं। अब बात करते हैं चलिए, ये आपको स्मार्ट आर्ट भी समझ आ गया। चार्ट, अब जैसे कोई भी चीज का आप चार्ट बनाते हैं जैसे बाद में कि मैं कोई भी जैसे आप मार्केट के लेवल में यहाँ पर लिख दीजिए जैसे ये देखिए यहाँ पर, इसका मैं अलग से और डिटेल में वीडियो बना के दिखाऊंगा आपको कैसे इसको यूज किया जाता है। जैसे कोई भी जैसे मार्केट में कुछ चीज हाई में चल रहा है तो उसमें जैसे
आपका जैसे YouTube वीडियो है, तो जैसे इस तरीके से हाई में आप इसको सेट कर सकते हैं कि किसका वैल्यू ज्यादा है, किसका वैल्यू कम है। इस तरीके से आप ग्राफ बना सकते हैं। ये आप लोग को स्कूल कॉलेज में जरूर ग्राफ मिलता होगा, आप इसे सेट कर से ग्राफ सेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं, चलिए अब स्क्रीनशॉट। अगर आप कुछ भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बस क्लिक करना है आपको। अब यहाँ से आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं, जैसे ये देखिए। अब स्क्रीनशॉट यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए, इसको छोड़ दीजिए, ये देखिए आपका स्क्रीनशॉट यहाँ से आ गया। इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने यहाँ पर पेज में डाल सकते हैं। स्क्रीनशॉट तक इतना तक कि आपका आई होप समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। ये भी आपको इंटरनेट पे अवेलेबल है तो इसको भी छोड़ देते हैं। ये भी इंटरनेट पे है, इसको अभी यूज नहीं है खास, इसलिए इसको भी विकिपीडिया सब आपके इंटरनेट पे। अभी ऑनलाइन वीडियो पे देखते हैं। ऑनलाइन यहाँ पर अपना लिंक डाल दीजिए, इंसर्ट कर दीजिए, तो आपका जैसे यहाँ पर लिंक आ जाएगा। तो जैसे आप कुछ ब्लॉग बनाते हैं तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो कोई भी तो आपके लिंक पे पहुंच, अपने यूट्यूब के भी लिंक पे पहुंच जाएगा। जो ब्लॉगिंग करते हैं उनके लिए ये उन्हीं के लिए है। और लिंक यहाँ पर से भी आप लिंक डाल सकते हैं, देखिए इस तरीके से। यहाँ पर एड्रेस डाल दीजिए, फिर ओके कर दीजिए, फिर आपका जहाँ कर्सर रखेंगे वहां पर लिंक आएगा, उसका नाम डाल दीजिए। कुछ भी लिंक पर क्लिक करिए, आप टेक्स्ट टू डिस्प्ले किस नाम से करना चाहते हैं। जैसे मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ कि एमएस वर्ड कैसे सिखाएं, तो एमएस वर्ड कैसे सिखाएं यहाँ पर लिख दीजिए, फिर यहाँ पर लिंक डाल दीजिए, फिर ओके कर दीजिए, तो आपका ये आ जाएगा। तो कोई भी आपके डायरेक्ट लिंक में क्लिक करेगा, अगर आप ब्लॉगर हैं तो इसमें डायरेक्ट हो जाएगा। बुक मार्क भी वही है, आपने यहाँ पर नेम कीजिए, लोकेशन, और यहाँ पर करके नेट चालू हो जाएगा, तो आप यहाँ पर बुक मार्क एड कर सकते हैं। क्रॉस रेफरेंस ये अभी आपका यूज नहीं है खास। कमेंट्स ये भी आप कमेंट्स कर सकते हैं, ये देखिए इस तरह जहाँ से अगर आप क्लिक करेगा तो यहाँ कमेंट्स दिखने लगेगा, तो इसको भी अभी हटाते हैं। अब फिर आप बात करते हैं हेडर एंड फुटर का मतलब ये होता है कि जैसे आपका बहुत सारा पेज खुला हुआ है तो आप कुछ भी हेडिंग बनाते हैं, यहाँ पर कुछ भी हेड डालते हैं तो आपको बार बार सेट करना पड़ता है। आप इसको एक बार कर देंगे तो आपके पूरे पेज में देखिए आ गया। ये देखिए यहाँ पर फुटर या हेडर, यहाँ पर आप कोई भी अपना लिखिए, आपका जो भी है सेम रहेगा, इसको बार बार आपको करने को कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। हेडर फुटर एक साथ हो जाएगा। पेज नंबर, अगर आपको पेज का नंबर डालना है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सा पेज, 1 2 3 है, तो देखिए यहाँ पर आपका पेज नंबर नीचे पे आ गया। यहाँ पर कहाँ आपको पेज का नंबर डालना है यहाँ से आप सेलेक्ट करके डाल सकते हैं, जैसे इधर यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, बॉटम में पेज मार्जिन कहाँ भी आपको डालना है इधर से आप सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर से बात करते हैं टेक्स्ट बुक टेक्स्ट बॉक्स की। टेक्स्ट बॉक्स है सेम वही मैगजीन की तरह है, आप यहाँ पर से कुछ लिख के, अब जैसे कोई ग्रीटिंग बना रहे हैं शादी वीती का या जैसे कुछ भी मैगजीन, यहाँ से आपका आएगा, यहाँ पर से आप कुछ लिख दीजिए इन्विटेशन टाइप का और फिर आपका आ जाएगा। अब ये भी हो गया। अब फिर से इंसर्ट में आते हैं। अब इंसर्ट में आने के बाद अब बात करते हैं, देखिए वर्ड, और यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर से आप कुछ भी लिख सकते हैं डिजाइन में, बहुत सारा आपको यहाँ पर डिजाइन मिल जाएगा। देखिए इस तरीके से यहाँ नीचे करेंगे तो बहुत सारे देखिए 3D हेडिंग देने के लिए ये बहुत काम आता है, ये सब देखते हैं। अब ये आपका ये भी समझ आएगा सिग्नेचर, अगर आपने कुछ सिग्नेचर डालना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट सिग्नेचर, यहाँ पर सिग्नेचर का जैसे नाम कुछ डाल दिए तो पूरा पेज में आपका सिग्नेचर आ जाएगा। जैसे देखिए सिग्नेचर इस तरीके से आ जाएगा। डेट टाइम डालना चाहते हैं ओके कर दीजिए, सब में देखिए डेट टाइम आ गया। अब यहाँ पर इक्वेशन ये है आपका, जैसे मैथमेटिक में आपको बहुत सारे इक्वेशन का फॉर्मूला सब मिलेगा। अब यहाँ पर से सिंबल जैसे आपको देखिएगा मैथ्स में बहुत सारे सिंबल पढ़ते होंगे, ये देखिए यहाँ पर सिंबल का पूरा ऑप्शन आ गया है। डॉलर का मिलेगा, पाउंड का मिलेगा, हर चीज का आपको अल्फा बीटा गामा हर चीज इस तरीके से आप यहाँ पर से ले सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक शेयर आप अपने फ्रेंड में भी शेयर कीजिएगा। आपको नेक्स्ट डे आपको ड्रॉ के बारे में बताऊंगा, देखिए ड्रॉ है, फिर डिजाइन, आपको ऐसे ऐसे करके आपको 2-3 वीडियो में आपको पूरा क्लियर कर दूंगा। तो चलिए, धन्यवाद।